बहुत सरफिरे लोग हैं, स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। जब तक हम जिंदा हैं किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया कि संविधान को छेड़ दे। और जहाँ तक राम राज्य की बात है, संविधान की सुरक्षा के लिए हमने देश के अंदर इतने बहुजन समाज के लोग तैयार कर दिए, वो जान संविधान के लिए दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। देखिए, आज हरियाणा के जिला फतेहाबाद टोहाना में और जिनमें कई जिलों का दौरा हुआ, और आप जानते हैं कि भीम आर्मी जय भीम के द्वारा पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है जो आरक्षण और ज़मीन को लेकर, और ये आंदोलन बहुजन समाज की मुक्ति आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। और मैं आप सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को मैं जानता हूँ कि भले ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि बहुजन समाज वो संसाधनहीन है, उसके पास संसाधन इतने नहीं हैं जितने विरोधी लोगों के पास हैं, जिन लोगों ने हमारी ज़मीनों को कब्जा रखा है, जो आरक्षण पर कुठाराघात कर रहे हैं और जिन लोगों ने हमारे आरक्षण को खीर बनाकर वो खा रहे हैं। तो देश का बहुजन समाज बड़ी तेज़ी से इस आंदोलन के साथ में जुड़ रहा है। आज हरियाणा में आयम और हरियाणा में जो जन सैलाब फतेहाबाद में मैंने देखा और जो बहुजन समाज की युवाओं में उत्साह देखा, तो देखने लायक था। बशर्ते वो आज जो कार्यक्रम था वो बहुजन संतों महापुरुषों की विचारधारा को लेकर था, उनके प्रचार प्रसार को लेकर था, परंतु जहाँ कहीं भी बहुजन समाज से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है तो मैं आंदोलन की बात रखता हूँ। वो इसलिए रखता हूँ कि बहुजन संतों महापुरुषों के नाम पर हमारा जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो उनके नाम पर इकट्ठा होता है, क्योंकि साहब काशीराम जी की विचारधारा के हम लोग हैं। साहब काशीराम जी यही कह रहे थे कि जब जब बहुजन समाज के संतों महापुरुषों के नाम पर समाज इकट्ठा हो तो उनको उनके अधिकारों के लिए बताना, उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना कि उनको आर्थिक मुक्ति, सामाजिक मुक्ति और राजनीतिक मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वही भीम आर्मी जय भीम के द्वारा और मंजीत सिंह नोटियाल इस काम को बखूबी तरह से कर रहा है। हम हरियाणा में बहुत जल्दी आरक्षण और ज़मीन को लेकर, क्योंकि कुछ कुछ कार्यक्रम तो हमारे बहुत अच्छे हुए हैं यहाँ पर और हम आगे भी बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर सरकार हमारी आरक्षण और ज़मीन को वापस नहीं देगी तो अब की बार हम सरकार को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। मंजीत जी, आपको क्या लगता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बहुजन समाज को सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिल पाता? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाबा साहब ने एक चीज़ कही थी कि जब संविधान विरोधी लोगों के हाथ में होगा तो संविधान सही साबित नहीं होगा, और यदि संविधान यदि सही लोगों के हाथ में होगा तो संविधान सही साबित होगा। परंतु आज जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर किसान आंदोलन चला, 750 लोग शहीद हुए, क्या यही सरकार का कर्तव्य बनता है क्या? और जिस प्रकार से सरकार का जो तानाशाही रवैया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देश का संविधान खतरे में, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। इसलिए संविधान बचाओ यात्रा और आरक्षण जमीन वापस करो की लड़ाई भीम आर्मी जय भीम के माध्यम से बड़ी मजबूती से छेड़ी गई है। तो यही कारण है, सबसे बड़ा यही कारण है कि बहुजन समाज के लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्यों नहीं उभर पा रहे हैं, क्योंकि संविधान जो है वो विरोधी लोगों के हाथ में चला गया है। और बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है, तो बाबा साहब का बेटा अपराधी नहीं बनना चाहता। हम लोग संघर्ष करते हुए अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो आने वाली नस्लें गूंगी बहरा पैदा नहीं होगी, लड़ेंगे। तो किस प्रकार से अवेयर किया जाए जनता? देखिए, हम लोग वही मैं बता रहा हूँ कि हम प्रत्येक ज़िले में कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रत्येक ज़िले के जिलाध्यक्ष को लगाया गया है कि वो क्षेत्र में जाकर आरक्षण और ज़मीन और संविधान बचाओ यात्रा के बारे में बताए, और उसके बाद में हम बड़े बड़े कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करेंगे। जितने भी बहुजन समाज से जुड़े हुए संगठन हैं, जितने भी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, पुराने कैडराइज लोग हैं, भीम आर्मी जय भीम उनको एक कर रही है और उनको समझा रहे हैं कि देखिए ये अधिकारों की लड़ाई, हमको एक होकर लड़नी पड़ेगी। तो बहुत सारे देश के बड़े बड़े नेता वो मंजीत सिंह नोटियाल को लाइक भी करते हैं और वो चाहते हैं कि मंजीत सिंह नोटियाल के साथ मिलकर काम किया जाए, और उनका बेटा एक कार्यकर्ता बनकर मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वही साहब काशीराम जी का चेला हूँ जिन्होंने झोंपड़ी से निकलकर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री दलित की बेटी को बनाया। तो मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ और इस लड़ाई को मैं बखूबी तरह से लड़ूंगा। लेकिन हमारा संगठन बहुजन मूवमेंट पर काम कर रहा है, हमारा संगठन बहुजन मूवमेंट पर मजबूती से उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह से हम लोगों ने पहले से किया है, और हमारा काम
बीमार में जैविंग का काम समाज को विभाजित करना नहीं है, समाज को एकत्रित करना है। और मंजीत सिंह नौटियाल ने कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे कि समाज विभाजित हो। आप इतिहास में जब से हम लोग मिशन में और समाज के बीच में काम कर रहे हैं, आप एक एक बात या एक कोई एक एक घटना ऐसी बता दीजिए जिसमें कि मंजीत नौटियाल ने कोई ऐसा काम किया हो या कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिससे कि बहुजन समाज को नुकसान हुआ हो। तो मैं बहुत मजबूती से लड़ रहा हूँ और एक करके लड़ेंगे सबको। देखिए, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण को लागू कराया, बाबा साहब ने उस समय एक बात कही थी कि मैं तुम्हें आरक्षण तो दे रहा हूँ लेकिन विरोधी लोग इसे हथियार बनाकर तुम पर इस्तेमाल करेंगे। क्या हमारे एमपी एमएलए सदनों में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, हैं विधानसभा में नहीं है, हैं? वो गद्दार लोग हैं। उन लोगों को समझौता करके बनाया गया है, उन लोगों को ये समझाया जाता है शपथ ग्रहण से दो दिन पहले कि दलितों की आवाज़ को नहीं उठाओगे, दलितों की बहन बेटियों का रेप होगा तो नहीं बोलोगे, उनके आरक्षण की बात नहीं करोगे, उनके अत्याचार साथ होगा तो उसकी बात नहीं करोगे। तो इस आधार पर उनको बनाया, इसलिए बहुजन समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए हम लोग कैडर तैयार कर रहे हैं मजबूत, और एक ऐसा कैडर तैयार कर रहे हैं, आप लोग भरोसा रखिए, आप लोगों को 6 महीने में बहुजन समाज के युवाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, जब तक हम लोग जिंदा हैं इसमें, तो हम लोग बहुत सरफिरे लोग हैं, स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जब तक हम जिंदा हैं किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया कि संविधान को छेड़ दे। और जहाँ तक राम राज्य की बात है, संविधान की सुरक्षा के लिए हमने देश के अंदर इतने बहुजन समाज के लोग तैयार कर दिए, वो जान संविधान के लिए दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। देश के अंदर जब भी बहुजन आंदोलन हुआ है, देश के अंदर जब भी कोई बहुजनों की लड़ाई को आंदोलन के रूप में क्रांति हुई है, तो सबसे ज़्यादा चमारों ने और वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस लड़ाई को मजबूती से आके लड़ा है। बाकी लोग आज भी जागरूक नहीं है, इसलिए बहुजनों की सरकार नहीं बन रही है, इसलिए बहुजनों का उत्पीड़न हो रहा है देश के अंदर। आप लोग राजस्थान के जयपुर में जो मनुस्मृति की फ़ोटो लगी है, क्या वहाँ हमारे रिजर्व विधायक नहीं है? हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई बोल दे, जबकि वो विधायक और वो सांसद बाबा साहब के दिए संविधान की बदौलत बन रहे हैं। तो इसलिए जो सरकार का जो प्रोपेगेंडा, यही मैं अपने बहुजन युवाओं को समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बुनियाद रख दी है, जबकि जो सदन है, जो लोकसभा है, संविधान में एक लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जबकि एक सदन का जो उद्घाटन होना चाहिए वो संविधानिक विधि से होना चाहिए, संविधान की प्रस्तावना पढ़ के होना चाहिए था, संविधान बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन क्या एक देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि एक छड़ी लेकर आप उद्घाटन कर रहे हैं? क्या छड़ी से देश चलेगा, आप मुझे बताइए। और एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे कि देखो, एक देश का, देश के अंदर चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है, क्या छड़ी से प्रधानमंत्री बन गए हो? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान की बदौलत है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन वो लोग गद्दारी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं संविधान के साथ में। तो ये जो धोखा है, ये वो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनकी, उनके साथ धोखा कर रहे हैं।